नहीं लेकिन सरकार ने कुछ मिश्रा नहीं जी मुझे एक किया। बात याद आ रही है, कक्षा 11 में मैंने एक चैप्टर पढ़ा था हिंदी में, भारतवर्ष, भारतेंदु जी ने उसे लिखा था और उसमें लिखा हुआ था कि हम जो हिंदुस्तानी हैं, हम रेल के डिब्बे हैं, हमें एक इंजन की जरूरत होती है, इंजन के साथ साथ हम चलते हैं, हमें जब तक कोई रास्ता दिखाने वाला ना हो तब तक हम मान ही नहीं सकते उस बात को, हमें जब तक कोई देखिए डंडा हमारे सर पर ना रख दे तब तक हम उन बातों को मान ही नहीं सकते, नहीं, तो इन बातों को भी हमें भारतेंदु स्वीकार करना होगा। नहीं, हम जबरदस्ती नहीं स्वीकार करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के सामने मेरी कोई विसात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं उनके अगेंस्ट बोलने जा रहा हूँ और उनकी आत्मा जहां भी स्वर्ग में होगी मैं पहले माफी मांग लेना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम रेल के डिब्बे हैं। आप ये देखिए, वेदों में एक चीज बोली गई है, आप्त दीपो भव, यानी अपना प्रकाश खुद बनो जो है। हाँ, तो ये चीज है, तो ये चीज है। यहाँ पे हर आदमी अपने आप में रेल का इंजन है। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई आदमी जो है यहाँ पर जो है डिब्बा है और उसको रेल का इंजन चाहिए। अगर ऐसा रहा होता ना तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, रामकृष्ण कौन से रेल के डिब्बे के पीछे थे, विवेकानंद कौन से रेल के डिब्बे पीछे उनके लिए इंजन लगा था, वो खुद इंजन बुद्ध थे, के वो खुद लिए इंजन थे, लेकिन उनके पीछे जो नहीं। लोग थे वो डिब्बे हैं। हर आदमी देखिए, आत्मा और परमात्मा, यानी आत्मा यानी कि जीव मात्र अपने आप में परमात्मा का स्वरूप है और सबसे बड़ा रेल का इंजन परमात्मा है, उसी के अंश आप हैं। और ज्ञान और इन सब चीजों में हम लोग बहुत सहज हैं, बहुत रिच रहे हैं। तो आप एटलीस्ट ये मत बोलिए जनता को कि हमें एक इंजन की जरूरत होती है, एक मैं बोल नहीं रहा हूं, भारतवर्ष मैं का। बोल नहीं रहा हूं ए के मिश्रा जी, मैं बोल मैं नहीं रहा हूं। इसीलिए मैंने क्षमा मांगा था भारतेंदु हाँ हरिश्चंद्र नहीं, मैं जी इसीलिए की बोल रहा हूँ, मैं पूरे बोल नहीं रहा हूँ, आत्मा मैं से। बोल नहीं रहा हूँ, मैं मैं हकीकत को स्वीकार करना जानता हूँ। जैसे मैं भारतेंदु आपको हरि एक और हरि उदाहरण देता हूँ, मैं एक जी और उदाहरण देता भारते हूँ, आप किसी भारतेंदु रेलवे हरिश्चंद्र स्टेशन पर जी चले जाइए, आप किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, जो यात्री होंगे वो वहीं पर गंदगी कूड़ा करकट फेंकते हुए नजर आएंगे, लेकिन मेट्रो स्टेशन पर जाने के बाद वही इंसान सफाई करता हुआ नजर आता है, वही डस्टबिन ढूंढता हुआ नजर आता है। तो हमें नियमों की जरूरत है और सख्त होने की जरूरत है, ये देखिए, मानना मैं पड़ेगा। आपको नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा से बोला है, 70 सालों का इतिहास आजादी के बाद का आप उठा के देख लीजिए, कोई भी गलत चीज जो है रुकी नहीं है, चाहे करप्शन हो, चाहे जो हो, बिल्कुल गरीबी हो, जो जो चीजें हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यह है कि जब से हमने आप्त दीपो भाव का जो है सिद्धांत छोड़ दिया है, और इसीलिए मैंने बोला कि हम बड़े पुरुषार्थहीन हो गए हैं, हम बड़े वीरहीन हो गए हैं। आर्य आर्य वंशज भारतवासी बड़े पुरुषार्थी थे, और जिसको आप बोल रहे हैं ना कि डंडे के दम पे नियम और कानून का पालन करवाया जाए, उसको हम लोग जो है आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन बोलते थे। और एक समय था जबकि हर आदमी इतना आत्मनियंत्रित होता था कि कहीं कूड़ा करकट, इंडिया में तो पुलिस भी नहीं होती थी साहब, मैं आपको बताऊं, आप मुगलों के पहले आप देखिए तो इंडिया में पुलिस नहीं होती थी। डंडे के यहाँ पे हर आदमी को राजा के बराबर का अधिकार था, और हर आदमी, आपने और भी हिंदी की कहानियां पढ़ी होंगी, मुंशी प्रेमचंद और इन सब की, पंचायत से रिलेटेड भी कहानियां हैं, पंच परमेश्वर, वहां पे कौन सा इंजन, कौन सा सुप्रीम कोर्ट के जज और कचहरी बैठी हुई थी, लेकिन न्याय हुआ था ना उस चीज में भी। तो आप्त दीपो भव का जो सिद्धांत है, हर भारतवासी, मुझे गर्व है, हर भारतवासी यहाँ पे अपने आप में एक रेल का इंजन है जो अपने पीछे पूरी दुनिया को जो है ढोने की कुव्वत रखता है। इसीलिए मैंने बोला कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से मेरा कोई मुकाबला नहीं है, पहले मुझे उनकी पूरे आत्मा से जो है क्षमा मांग लेने दीजिए, क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट बोलने जा रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन ए के मिश्रा जी देखिए, ये इस बात को भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक चीजें नहीं है, अगर हम इतिहास उठाकर देखने लगे तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप इसकी बात करते हैं वैक्सीनेशन को लेकर, कितनी चीजों पे हमें सामने आना पड़ा, कितनी चीजों को लेकर नियम बनाने पड़े, और लोग अभी भी नहीं लगवा रहे हैं वैक्सीनेशन, नहीं करा पा रहे हैं, जो क्योंकि नहीं, जरूरत ऐसा है उन्हें देखिए, खींचने दो की, उन्हें चीजें बताने की, उन्हें वहां तक लाने की। नहीं, ऐसा नहीं है, दो चीजें हैं, नहीं लगवा रहे हैं वो दूसरी चीज है, कुछ लोग हैं बोलते हैं, वो हमेशा ना बोलते हैं, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे, हम पोलियो का टीका नहीं लगवाएंगे, हम कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे, तो उनके लिए तो कुछ नहीं है। और रही बात जो एक चीज मैंने शुरू में बोली, 130 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट करना अपने आप में चैलेंज है। बिल्कुल, हालांकि दिल्ली और गांव में मुझे मेरे अपने गांव से भी मैसेज आते रहते हैं, कोरोना वैक्सीनेशन के कैंपेन्स और कैंप लगातार चलते रहते हैं, इंटरवल पे हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और हर आदमी को सूचना मिल जाती है। आप अगर
आप तो दीपोभव में फिर से बोलूंगा, आप अगर इतना भी नहीं करेंगे कि घर से निकल करके सेंटर तक चले जाए, फ्री में वैक्सीन लग रही है, मैंने लगवाया था, इतनी गजब की फैसिलिटी थी कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। जैसे आप बारात में गए हो दामाद बन के, उस तरीके से स्वागत हो रहा था कोरोना वैक्सीन, चेयर्स अलग से थे, फैन अलग से थे, जूस पीने के लिए अलग से थे। लेकिन मिश्रा जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या हम उन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे मतदान के समय पर, अगर कोरोना पीक पर होता है तो क्या हम उस भीड़ को कंट्रोल कर पाएंगे या उनकी उन सारी नीतियों का, उन गाइडलाइंस का पालन कर पाएंगे बेहतर से? सिस्टम और पब्लिक अगर चाह लेगी तो हर चीज यहाँ पे हो जाएगा, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब उसी पब्लिक में से एक ग्रुप निकल जाएगा जो बोलेगा हम अनशन पे बैठेंगे। जी आपने देखा ना, एक साल डेढ़ साल तक लगातार इंडिया में अनशन होते रहे, तो ऐसे लोगों को कौन समझा पाएगा? ना मीडिया समझा पाई, ना मैं समझा पाया, और इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं समझा पाए। तो हर एवरी फैमिली हैज ए ब्लैक शिप। मैं ये नहीं बोलता हूँ 130 करोड़ जनसंख्या में कोई गलत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनुशासन को तोड़ना, कोऑपरेट नहीं करना एजेंसियों को, सिस्टम को, नियम को, वो उसी चीज को आजादी मानते हैं। तो उनके लिए क्या कमेंट मैं दे सकता हूँ सर? नहीं, तो मेरा सवाल यही है कि हम कैसे उन चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे, क्या ये चीजें फिर डराती हैं या नहीं डराती हैं? मैंने बहुत पहले बोल दिया है ना, आप तो दीपो भव तीन अक्षर का एक मंत्र है, जो जनता को जागरूक करने की बात कर रहे हैं वही चीज तो आप तो दीपो भव हमारे मनीषियों ने हजारों साल पहले बोला था कि अपना प्रकाश खुद बनो, खुद सेल्फ डिसिप्लिन रहो, खुद जो है दूसरों को सुधारने से पहले, दूसरों का भला करने से पहले अपना भला करो, दूसरों को मजबूत करने के पहले अपना, दूसरों का बचाव करने के पहले अपना बचाव करिए। जी बिल्कुल, क्योंकि लेकिन समस्याएं सिर्फ यहीं तक नहीं है, क्योंकि अगर आप इस गाइडलाइन के या फिर इन तारीखों के ऐलान से पहले के समय को देखेंगे तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियों ने रैलियां की हैं, कोरोना तब भी बढ़ रहा था, कहीं पर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। तो इसलिए ऐसे सवाल बनते हैं। शुक्रिया AK मिश्रा जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।